मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट जीके का टॉपिक है उसको रीड करेंगे। आप सभी स्टूडेंट से बोला गया था कि आप जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करते जाएं। अभी प्रिंसिपल सर ने एक वर्क दिया था आपको कि आपको जो नेशनल यूथ डे है उस पर एक पिक्चर बनानी है। क्या बनानी है? पिक्चर। वो किसकी होगी? स्वामी विवेकानंद जी की। तो उसमें मैंने देखा कि कई स्टूडेंट ने क्या किया है, उसमें कट कॉपी किया है, उन्होंने कहीं दूसरी जगह से वो उसको ले रखा था। ये चीज़ गलत है। मैंने कहा था कि आपको ये तो हम भी आपको निकाल के दे सकते हैं कहीं, लेकिन जिस स्टूडेंट ने अपने हैंड से बनाई है उसको मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने अपना वर्क अच्छे से किया। जैसे कि मैंने देखा है, क्लास 8th में था, अंश का साक्या का था, पलक इंदु का था, ऋतिक प्रताप का था, प्रतिभा सिंह का था, लेकिन इसमें एक 7th ए में एक पिक्चर आई थी, उसमें उस स्टूडेंट ने कुछ कोटेशंस भी लिखे थे। तो ये कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, और कुछ ने क्या किया है कि उन्होंने इंटरनेट से निकाल लिए पिक्चर्स को और हमारे पास सेंड कर दिया। इसके लिए नहीं बोला गया था। आप सभी स्टूडेंट से फिर से मैं कहूँगा, जिन्होंने पिक्चर्स को नहीं बनाया है वो बनाकर नेक्स्ट डे सेंड कर दें। अब हम आगे इसको रीड करते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट साइंस। जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं किसके? साइंस के बारे में, उनको हम रीड करेंगे। आईज ऑलवेज रिमेन सेम इन साइज सिंस टाइम वी आर बॉर्न। आईज हैं ऑलवेज, जो हमेशा से रिमेन मीन्स शेष रहती हैं, सेम इन साइज, और साइज में कैसी रहती हैं? सेम रहती हैं, सिंस द टाइम, जब से वी आर बॉर्न, हमारा जन्म होता है, एंड टिल द मोमेंट वी डाई, जब तक कि हम मर नहीं जाते हैं। अनलाइक अवर ईयर्स एंड नोज, लेकिन अनलाइक आप देखेंगे जो ईयर्स हैं और नोज है, दैट आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग थ्रू आउट अवर लाइफ। जो नोज हैं और नोज है और जो ईयर हैं वो हमारे ताउम्र उनमें ग्रो करते हैं, उनमें विकास होता है। ये आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। नंबर सेकंड है, द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन यूनाइटेड स्टेट। जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड ऑल्सो इन नॉर्थ अमेरिका, और किस में है? नॉर्थ अमेरिका में। इज द बेरिंग ग्लेशियर, ये क्या, इसका क्या नाम है? बेरिंग ग्लेशियर इन अलास्का। जो बेरिंग ग्लेशियर हैं इन कहाँ पर है? अलास्का में। विच इज 204 किलोमीटर्स लॉन्ग, वह कितना लंबा है? 204 किलोमीटर लंबा है। क्या है ये? ग्लेशियर है, और ये कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स में, नॉर्थ अमेरिका, जो कि कॉन्टिनेंट है। सेकंड आपको पता चला। नंबर थर्ड है, द क्लोजेस्ट सुपरनोवा एक्सप्लोजन विटनेस। जो सबसे नज़दीकी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है उसकी विटनेस इन ऑलमोस्ट 400 ईयर्स ऑक्योर्ड इन 1987, लगभग 400 ईयर्स के समथिंग 1987 में। व्हेन ए लाइट फ्रॉम इन एक्सप्लोडिंग, जब ये हुआ तो इसकी जो लाइट है वो एक्सप्लोड विस्फोट की, स्टार इन ए नेबर गैलेक्सी, जो इसकी चमक थी वो कहाँ तक थी? जो पड़ोसी गैलेक्सी है वहाँ तक। द लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड, तो क्या बनी? लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड बनी, क्लाउड मीन्स बादल, रीच्ड अर्थ, वो कहाँ तक पहुँच गए थे? अर्थ तक। इट वाज एप्रोप्रिएटली नेम्ड सुपरनोवा 1987A। इसका सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे उचित नाम क्या रखा गया? 1987 सुपरनोवा 1987A। फॉर रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स।
फॉग, फॉग फॉग मीन्स होता है जो धुंध सी छाई होती है। फॉग रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ वाटर। फॉग में क्या क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वाटर होता है। ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट मीन्स होती है छोटी छोटी बूंदें। और आइस क्रिस्टल, और उसमें क्या होते हैं? आइस क्रिस्टल होते हैं सस्पेंडेड इन दी एयर। किस में होते हैं? सस्पेंडेड एयर में, एट और नियर दी अर्थ सरफेस, और पृथ्वी के जो सरफेस है उसके नज़दीक। अर्जेंटीना इज द फॉगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो अर्जेंटीना है वह कैसी कंट्री है? फॉगेस्ट कम एक कंट्री है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो अर्जेंटीना है वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ये आप मुझको मैसेज करके बताएंगे। हैविंग मोर देन 200 फॉगीज डे पर ईयर। वहाँ पर जो 365 डेज हैं उनमें से 200 डेज कैसे रहते हैं? फॉगी डे पर ईयर, मतलब एक साल में। नेक्स्ट है इसमें, अकॉर्डिंग टू ए 211 स्टडी बाई स्पेनिश साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू ए 211 स्टडी, 2011 की जो स्टडी है उसके अनुसार, बाई स्पेनिश साइंटिस्ट, जो स्पेनिश साइंटिस्ट थे, द टीनेजर विद एन एवरेज अमाउंट, उन्होंने एक एवरेज टीनेजर का, टीनेजर्स का मतलब हुआ, इसको शब्द को समझिए, टीन एजर, TEEN AGERS, टीन, टीन का मतलब होता है, जैसे कि आप देखेंगे ये टीन जो हमारी काउंटिंग नंबर है उसमें कहाँ से स्टार्ट होती है? 11, 12, 12 में भी नहीं आ रहा है, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसमें नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे ये 13 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 19 तक। अब इसमें जोड़ा गया है एजर्स, टीनेजर्स का मतलब है 13 से लेके 19 साल की जो उम्र के बीच के व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोला जाता है? टीनेजर्स। इस शब्द का आपको संभवतः अर्थ समझ में आ गया होगा। टीनेजर्स जहाँ पे भी शब्द आएगा तो उसका मतलब होगा ये किस एज के लोगों की बात की जा रही है, वो है 13 to 19 एज के। टीनेजर्स विद इन एवरेज अमाउंट ऑफ नाइटली स्लीप स्कोर हाइयर, जो कि विद इन एवरेज अमाउंट, जो उनका औसत अमाउंट है किसका? नाइटली, जो रात में सोने का हाइयर कितना, कैसा होता है? हाइयर, अधिक होता है। ऑन मैथमेटिक्स कंपेयर, जो मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स कंपेयर टू दोज हु स्लेप्ट शॉर्टर, जो मैथमेटिक्स की तुलना में जो उनसे कम सोते हैं। तो ये कुछ ऐसी रोचक बातें थीं। अब हम आगे देखेंगे, रोबो कप वर्ल्ड चैम्पियनशिप द सोसर गेम्स विद द रोबोट्स विच स्टार्टेड इन 1997। जो रोबो कप वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो कब से स्टार्ट होती है? 1997 से। इज ऑफन यूज टू ए टेस्टिंग ग्राउंड रिगार्डिंग द रोबोट्स डायनेमिक एंड लोको मोशन। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी अक्सर इसमें जो यूज होता है रोबोट का, वो क्या करते हैं ग्राउंड में, रोबोट डायनामिक गतिशील होते हैं एंड हरकत करते हैं। नेक्स्ट आता है, ब्रेन इज ओनली 3% ऑफ द बॉडी वेट। जो ब्रेन है हमारा वो बॉडी वेट का कितना है? ओनली 3%, बट यूज इज ऑलमोस्ट 1/5, जबकि इसका जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अधिकतर जो यूज है वो 1/5 भाग है ऑफ टोटल बॉडी एनर्जी। जो मतलब टोटल बॉडी एनर्जी है उसका 5वां भाग किसको चाहिए? ब्रेन को। क्लोज टू 20% मोस्टली फॉर मेंटेनेंस फंक्शन, जो फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए सबसे अधिक एनर्जी किसको आवश्यकता होती है? आपके ब्रेन को, जो कि फुल एनर्जी का करीब 20% इसको चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, गंग खर प्यूनसियम भूटान इज द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन। जो गंगखर हैं वो क्या है? ये हाईएस्ट माउंटेन है कहाँ पर? भूटान में। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू।
माउंटेन इन द वर्ल्ड विद एन एलिवेशन ऑफ 7,570, जो इसकी ऊंचाई है वो 7,570 मीटर है, एंड ए प्रोमिनेंस ऑफ ओवर 2,990 meters, और इसका जो बहिर्गत भाग है, जो फैला हुआ भाग है, वो कितना है, 2,990 meter। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अर्थक्वेक इन हिस्ट्री ऑक्यूर्ड इन चिली बैक इन 1960, जो अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप आया है इतिहास में, वो कहाँ पर आया है, चिली में आया है। द अर्थक्वेक हैड ए मैग्नीट्यूड ऑफ 9.5 एंड किल्ड मोर देन 1,650 people। तो उस समय जो भूकंप की तीव्रता है वो किस पे नापी जाती है, मैग्नीट्यूड पर, किस पे नापी जाती है, मैग्नीट्यूड पर। तो जो इसकी मात्रा थी उस समय कितनी थी, 9.5, और इसमें लगभग 1,650 लोगों की मौत हुई थी। तो इसे अभी तक के बड़े भूकंपों में इसकी गिनती की जाती है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भूकंप आया था जो चिली में, ये बताइए चिली किस कॉन्टिनेंट में है, ये जो चिली कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट में है, और इसके आसपास की जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो इसके पास में हैं, उसी कॉन्टिनेंट से हमें दो कंट्रीज के नेम बताइए जो कि किस गेम के लिए फेमस है, फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है, हबल टेलीस्कोप इज़ द मोस्ट फेमस टेलीस्कोप ऑफ देम ऑल, जो हबल टेलीस्कोप है वह सबसे मोस्ट फेमस, सबसे अधिक फेमस टेलीस्कोप है इन सभी में, एंड इट हैज़ बीन गिविंग एस्ट्रोनॉट्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सिंस द टाइम इट वाज द फर्स्ट कैरीड इनटू द ऑर्बिट बाय ए स्पेस शटल ऑन अप्रैल 24, 1990। जो हबल टेलीस्कोप है वह मोस्ट फेमस टेलीस्कोप है इन सभी में, इट हैज़ बीन गिविंग एस्ट्रोनॉट वैल्यूएबल, इसने क्या एस्ट्रोनॉमर्स को क्या दी है, वैल्यू, बहुत ही बेशकीमती इंफॉर्मेशन दी है, सिंस द टाइम इट वाज फर्स्ट के, जब ये पहली बार ले जाया गया था, कहाँ पर, ऑर्बिट मतलब होता है कक्षा में, कक्षा कौन सी होती है, जो जैसे पृथ्वी की कक्षा में क्या है, जो आसपास का क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है ऑर्बिट बाई ए स्पेस सेटल ऑन अप्रैल 24, 1990, और ये 24 अप्रैल 1990 को ले जाया गया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब आप सभी अच्छे से इनको सुनिएगा और अपना वर्क रेगुलर कंप्लीट करके भेजा कीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक से आके मैं आप सभी स्टूडेंट्स के घर पे आके आपका होमवर्क चेक करूँगा। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।